हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मैथ्स ट्रेनर। माय नेम इज नवजोत सिंह। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के रीजनिंग पार्ट के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। मैथ सेक्शन के सॉल्यूशन में पहले आपको अवेलेबल करवा चुका हूं, आप उसका लिंक आई पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो रीजनिंग पार्ट में टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चन आए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो ईजी थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए थे। जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो मैंने यूपीएससी की वेबसाइट पर जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रखी है, कोई भी शफलिंग नहीं है उसमें। So let us start the discussion with question number 1, which says that consider the following arrangement that has some missing letters AB AB dash आगे तक सीरीज दी हुई है, the missing letter which complete the arrangement। तो हमें क्या करना होता है, options एक बार put करके check करना होता है। First option में तीन जगह A दे रखा है, हमारे पास है सीरीज AB AB। तो अगर हम एक बार third AB बना दें तो first blank A से fill हो जाएगी, ठीक है। तीन बार AB हो गया, यहाँ तक सीरीज complete हो गई। अब नेक्स्ट में सिमेट्री तभी बनेगी जब हम यहाँ पे सी रखें, तो सी बी सी बी दो बार आएगा तो ए सी सी ई। एक बार इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तो अगर बी बी सी बी रखें तो कुछ नहीं बनेगा, और बी और सी दो ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो सी बी सी बी रख देते हैं दो बार, तो सेकंड ब्लैंक सी से फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे सी डी सी डी दो बार है तो यहाँ पे भी हम सी रख सकते हैं, तो सी ब्लैंक में आ गया, सी डी सी डी सी डी तीन बार। तो पहले ए बी ए बी ए बी तीन बार, फिर सी बी सी बी दो बार, फिर सी डी सी डी सी डी तीन बार, यहां तक हो गया, फिर ई डी ई डी दो बार, तो ई डी और फिर लास्ट ब्लैंक में ई। तो ये पैटर्न बन गया, तीन बार फिर दो बार फिर तीन बार फिर दो बार। तो वेरी इजी, ए सी सी ई इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। टू स्टेटमेंट्स एस वन एंड एस टू आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। एस वन कह रही है देर आर नॉट मोर देन टू फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ अ 51 पेज बुक। किसी भी पेज पे दो से ज्यादा फिगर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम फिगर्स हैं वो कितने हैं, 51 इंटू टू यानी कि 102। पूरी बुक में 102 से ज्यादा फिगर्स नहीं हो सकते, इतना कंक्लूजन हम स्टेटमेंट 1 से निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट 2, देर इज एटलीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज। तो इससे क्या बता सकते हैं हम कि मिनिमम फिगर्स कितने होंगे, मिनिमम फिगर्स क्योंकि हर पेज पे है तो 51 इंटू 1 यानी कि 51 फिगर्स। तो 51 से लेकर 102 तक कोई भी नंबर की फिगर्स हमारे पास उस पर्टिकुलर बुक में हो सकती हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 100 से ज्यादा फिगर हैं, 100 से ज्यादा हमारे पास दो ऑप्शन है, 101 और 102, वो तब होंगी या तो सारे पेजेस पे ही दो दो फिगर्स हैं या फिर सिर्फ एक पेज पे एक है और बाकी सब पे दो हैं। तो ऐसा होने का चांस है कि 100 से ज्यादा भी हों, 100 के इक्वल भी हों, 100 से कम भी हों, तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स हमारा आंसर में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। विच मीन्स ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं, बोथ एस वन एंड एस टू आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, गलत है। एस वन अलोन सफिशियंट, गलत है। एस टू अलोन सफिशियंट, गलत है। S1 and S2 together are not sufficient, तो हम कोई भी solid conclusion नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए option C हमारा सही हो जाएगा। Okay? Next question number 3. A family of two generations consisting of 6 members P, Q, R, S, T and U has 3 males and 3 females. There are 2 married couples and 2 unmarried siblings. 3 लोग male हैं, 3 लोग female हैं, तो जो family structure होगा वो ऐसा होगा, grandfather, grandmother, 2 married couples हैं, father, mother एंड सन और डॉटर, क्योंकि तीन मेल्स हैं तीन फीमेल्स हैं। ओके, लेफ्ट साइड पे मेल्स, राइट साइड पे फीमेल्स। अब देखते हैं कि कौन क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट है यू इज पीज डॉटर एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ। ये स्टेटमेंट काफी कुछ क्लियर कर देती है, क्यू आर की मदर इन लॉ है, तो आर जो है वो वाइफ है यानी कि मदर है, ये आर है, और क्यू इज द ग्रैंड मदर क्योंकि वो इनकी मदर इन लॉ है। अब इससे पहले लिखा हुआ था यू इज पीज डॉटर, तो यू डॉटर है और पी कौन हुए, फादर हुए, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, टी इज एन अनमैरिड मेल, तो सन अनमैरिड मेल है, सन हो गया टी, और जो बचा एस इज अ मेल, वो ग्रैंडफादर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आर इज यूज हस्बैंड, तो हमारे पास हस्बैंड वाइफ पेयर आया, एक तो एस क्यू और एक आया पी आर। आर वैसे भी लेडी है तो पहला ऑप्शन तो गलत है। R is S's wife. R जो S की daughter in law है, P की wife है, ये भी गलत हो गया। S is unmarried. Grandfather तो married है Q के साथ, ये भी गलत हो गया। तो answer हो गया option number D, none of the above. ठीक है, बहुत ही simple सा family tree है,
हमारे पास काफी आसान क्वेश्चन है ये भी फैमिली रिलेशनशिप्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज अ संडे देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. 15 जुलाई और 12 जुलाई के बारे में कमेंट किया गया है जब या तो ईयर लीप ईयर हो या ना हो. तो 12th जनवरी के बाद अगर हमें 12th जुलाई तक पहुंचना है तो नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर लेते हैं 19 जनवरी के. अब नॉन लीप ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 28 फरवरी के, 31 जो हैं वो मार्च के, 30 अप्रैल के, फिर 31 मई के, 30 जून के और 12 डेज जुलाई के. तो इसका टोटल आता है 181 जिसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे हमारे पास 175 तो 7 पे जाता है तो 6 और डेज. इनके हम ये कह सकते हैं 12, 13, 14 और 15. 12th जुलाई के अकॉर्डिंग 6 और डेज आ रहे हैं तो 13th को सेम दिन होगा यानी कि संडे होगा अगर लीप ईयर नहीं है और मंडे होगा अगर लीप ईयर है. तो संडे के बाद मंडे ट्यूसडे और यहाँ पे मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे और यहाँ पे सैटरडे और संडे. ओके ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर और ये लीप ईयर है. क्वेश्चन की ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. 15 जुलाई इज अ संडे तो 15 जुलाई कभी भी संडे नहीं है चाहे लीप ईयर हो चाहे ना हो. 15 जुलाई इज अ संडे फिर भी गलत हो गया. 12th जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर वेरी करेक्ट. एंड 12th जुलाई इज नॉट अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर रॉन्ग ऑब्वियसली बिकॉज सी इज करेक्ट. ओके सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ओके लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच सेज दैट टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन विद रिगार्ड टू 4 नंबर्स PQRS फॉलोड बाय क्वेश्चन. तो पहली स्टेटमेंट कह रही है R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q, S इज नॉट द लार्जेस्ट वन. तो S1 के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि P और Q पीछे हैं R से और क्योंकि इसने कह दिया स्टेटमेंट 2 में कि S इज नॉट द लार्जेस्ट वन तो हम ये कह सकते हैं कि R इज द लार्जेस्ट वन. ओके क्योंकि S क्या हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है. ठीक है तो क्वेश्चन ये कह रहा है अमंग 4 नंबर्स PQRS विच वन इज द लार्जेस्ट. पहली स्टेटमेंट से हमें ये पता चला था कि R 2 से बड़ा है और दूसरी स्टेटमेंट को पहली स्टेटमेंट में कंबाइन करके हमें ये पता चला कि R सबसे बड़ा है बिकॉज S सबसे बड़ा नहीं है. तो S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन बट नीदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके ऑप्शन इन क्वेश्चंस के बहुत ध्यान से पढ़ के आपको टिक मार्क करना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. अगेन टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन फॉलोड बाय क्वेश्चन. N इज अ प्राइम नंबर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स आर देयर. N लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4. ऐसे भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स होंगे. अगर हम स्टार्ट करें तो 5 भी हो सकता है. 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता है. उसके बाद 13 भी हो सकता है. 17 भी हो सकता है. उसके बाद 23 नहीं होगा. 25, 27, 29, 29 होता है. ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स आते जाएंगे जो 4 पे डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ेंगे. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एन इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज एन. तो 10 और 20 के बीच में ऐसी दो वैल्यूज हमारे पास हैं 13 और 17. तो जो यूनिक वाला कॉन्सेप्ट है ये कैंसिल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका. नो आंसर इज पॉसिबल. इवन आप दोनों स्टेटमेंट्स को इंप्लीमेंट कर लीजिए. S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर डी गोज करेक्ट. ओके क्योंकि यूनिक नहीं आ रहा है. दो नंबर आ रहे हैं ऐसे जो 4 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ते हैं और प्राइम भी हैं 10 से 20 के बीच में. करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. अगेन टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 गिवन बिलो विद रिगार्ड टू टू नंबर्स फॉलोड बाय क्वेश्चन. देयर प्रोडक्ट इज 21 देयर सम इज 10. अभी ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट 21 तो बहुत सारे नंबर्स का हो सकता है. 3.7 का हो सकता है, 21.1 का हो सकता है. मतलब दो ही ऑर्डर पेयर आएंगे पर इन्होंने ये भी नहीं बोला कि इंटीजर्स हैं. तो ऐसे भी नंबर आ सकते हैं 21/2.2 ऐसे भी नंबर आ सकते हैं. देयर सम इज 10. अगर सम 10 है तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 21. वाई की वैल्यू फिल करिए यहाँ से तो x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 7 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा या फिर उल्टा x इक्वल टू 7 वाई इक्वल टू 3. तो ऐसे दो ही नंबर्स हैं 7 एंड 3. वॉट आर टू नंबर्स 3 एंड 7 या 7 एंड 3. अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स अगर हमें दोनों स्टेटमेंट पता होंगी तो ही हम आंसर निकाल पाएंगे. सो S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी गोज करेक्ट. ना ही S1 अलोन ना ही S2 अलोन इसको आंसर कर सकती है. ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8. अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस 25 मीटर स्ट्रेट देन ही टर्न्स टू द राइट इतना चलता है फिर टर्न्स टू द लेफ्ट इतना चलता है. इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट तो हाउस ईस्ट की तरफ है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. तो ये उसका हाउस है. ओपनिंग गेट हम उसकी तरफ रख देते हैं ईस्ट की तरफ तो ये ईस्ट है.
अब वो कहाँ की तरफ चलता है, बैक साइड ऑफ द हाउस। तो यहाँ से भी एक गेट निकाल के वो बैक साइड ऑफ द हाउस 25 मीटर चल दिया। फिर उसने लिया राइट टर्न एंड देन वॉक्स 50 मीटर्स अगेन। तो 50 मीटर्स यहाँ पे राइट टर्न लेने के बाद, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर्स। तो इधर की तरफ चला 25 मीटर और। तो अब ये किस डायरेक्शन में है, अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट माने तो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, राइट? इधर की तरफ है वो, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, आपको बस पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले घर सही बनाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच सेज दैट टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस। स्टेटमेंट्स कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, व्हिच ऑफ द अबव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है कि सारे नंबर 2 पे जाते हैं, और स्टेटमेंट नंबर 2 है कि ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 कॉमा 3 की डिविजिबिलिटी जो है वो 6 की डिविजिबिलिटी कंफर्म करती है, राइट? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, सो कंक्लूजन 1 फॉलोज। कंक्लूजन 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। बेटा 4 के लिए एक एक्स्ट्रा 2 चाहिए होता है, जैसे कि 16 जो है उसमें 2 की पावर 4 है तो वो चल जाएगा, 20 है वो भी चल जाएगा, बट 18, 22, 26 ऐसे टाइप के नंबर नहीं चलेंगे, तो डज नॉट फॉलो, नॉट फॉलोज, बिकॉज 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिविजिबल करवाना पड़ता है, या 2 की पावर 2 चाहिए होती है हमें 4 से डिवाइड करने के लिए। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी सिंपल अगेन, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, अगेन सिलोजिज्म का क्वेश्चन, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो कैट्स अंदर हैं, डॉग्स इसके बाहर हैं, ऐसे डॉग्स। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ब्लैक ऐसे बना दो या फिर ऐसे बना दो, कैट्स, डॉग्स और ब्लैक, ठीक है? जबकि सेकेंड ऑप्शन आने की चांसेस काफी कम है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक्स, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? फर्स्ट वाले केस में, इसको मैं केस वन बोलता हूँ, सी वन, और इसको केस टू। फर्स्ट वाले केस में सम ब्लैक आर डॉग, सम डॉग्स आर ब्लैक, सम ब्लैक आर नॉट डॉग, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, और सेकेंड वाले केस में ऑल डॉग्स आर ब्लैक। तो कंक्लूजन वन है ऑल डॉग्स आर ब्लैक, फॉलो नहीं करेगा सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो फिर वही बात हो गई, ये केस टू की बात कर रहे हैं हमारे पास, ये केस वन की। तो आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए ईदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज, ये बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, बोथ नहीं हो सकता, तो नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज। इसमें हमें ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ द ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो सही आंसर है वो ये है कि ईदर वन और टू फॉलोज, ओके? कि या तो ये वाली डायग्राम आएगी या फिर ये वाली डायग्राम आएगी, कोई भी एक कंक्लूजन कभी फॉलो नहीं करेगा, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज एंड वी इज 18 फ्रॉम द राइट एंड, जी इज 11 फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट एंड थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट एंड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो ए जो है वो 16 नंबर पे है लेफ्ट से, तो इसके लेफ्ट में 15 लोग और खड़े हैं। अब वी की बात एक बार छोड़ देते हैं, एक बार जी देखते हैं, जी इज 11 फ्रॉम ए टुवर्ड्स राइट, तो ए के बाद 10 लोग और हैं, उसके बाद जी है, ठीक है? एंड थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट एंड, तो वी के बाद थर्ड है, तो मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं और यहां पे वी खड़ा है, ठीक है? तो ए और वी के बीच में 2 तो ये माइनस हो गए 10 में से और एक वी, तो 7 लोग हैं यहां पे, ठीक है? और वी के राइट में दे रखा है कितने लोग हैं, क्योंकि वी का राइट से पोजीशन पता है 18, तो वी के राइट में 17 लोग हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज ध्यान से ऐड करेंगे। अब इसमें देखिए, हमें ए और वी को सेपरेट रखना है, 15 ये आ गए, फिर एक ए आ गया, फिर ए और वी के बीच में 7 लोग ये वाले आ गए जो हमने काउंट किए थे, प्लस फिर एक वी आ गया, प्लस फिर 17 लोग ये आ गए। तो 15 प्लस 17 इज 32, प्लस 7 इज 39, प्लस 2 इज 41। 41 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर यही आएगा, 41। फाइन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, थ्री स्टेटमेंट्स S1, S2, S3 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय क्वेश्चन। ABCD के बारे में हमें ये पता करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले कि कौन यंगेस्ट है। C इज यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B, तो C D से छोटा है बट A और B से बड़ा, तो D सबसे बड़ा हो गया, D सबसे बड़ा हो गया, फिर C, A और B का नहीं पता, तो दो ऑप्शन है DCAB और DCBA। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इतना ऑलरेडी कंक्लूड कर चुकी है,
सेकेंड स्टेटमेंट डी इज ओल्डेस्ट, ऑब्वियस ही बात है। थर्ड स्टेटमेंट ए इज ओल्डर देन बी, तो ए अब बी से बड़ा है तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज, विच मीन्स दैट द यंगेस्ट पर्सन इज बी, विच इज द यंगेस्ट पर्सन बी। अब ये देखिए कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ने हमें हेल्प किया इस कंक्लूजन तक पहुंचने में, दैट इज स्टेटमेंट वन जिससे मैंने ये दो ऑप्शन बनाए, एंड स्टेटमेंट थ्री जिससे मैंने सेकेंड ऑप्शन रिजेक्ट किया। सो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री टुगेदर आर सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 26 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ये। इफ जी एच आई इज 1578 एंड डी ई एफ इज 912, व्हाट इज ए बी सी इक्वल टू। तो जी एच आई की वैसे काउंटिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी है 7th नंबर पे, एच है 8th नंबर पे, जी एच आई है 9th नंबर पे, तो 789 और आंसर में दिया हुआ है 1578। ये हमारा 800 से 11 कम, ये 1600 से 22 कम, तो इंटू 2 कर दिया तो 1578 आ गया। क्या ऐसा ही डी ई एफ के साथ भी हुआ है? डी ई एफ, डी इज ऑन 4, ई इज ऑन 5, एफ इज ऑन 6, 450 से 6 ज़्यादा, 900 से 12 ज़्यादा, तो इंटू 2 किया है तो हमारे पास आ गया 912। तो फिर ए बी सी का क्या करेंगे? ए बी सी 123 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पैटर्न हमें मिल चुका है, आंसर आ जाएगा 246, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, राइट। अगेन वेरी सिंपल, आप लेस देन 1 मिनट में इसको क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग। ए सी पी क्यू इज टू बी ई एस यू, देन डबल कॉलन एम एन जी आई इज टू एट द रेट। तो ए बी एक ऐड हुआ, सी ई दो ऐड हुए, पी एस पी क्यू आर एस तीन ऐड हुए और क्यू यू चार ऐड हुए, तो हमारे पास एम एन जी आई में आएगा। एम का अगला नंबर होता है एन, एन ओ पी, फिर जी एच आई जे, एन पी जे, एन पी जे के साथ एक दो ऑप्शन है एल और एम, तो क्यू और यू में चार ऐड हुए थे, तो आई जे के एल एम, तो एम आ जाएगा। एन पी जे एम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वॉज करेक्ट। ओके, वेरी सिंपल अगेन। तो 14 में से मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चंस इजी थे, एक दो क्वेश्चंस टफ थे, तो उनको आप छूट सकते हैं। बाकी दिस वॉज अ स्कोरिंग सेक्शन विच विल इंश्योर कि आप 33% लेके आ रहे हैं। दिस एंड्स द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू विल डू वेरी गुड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। दिस इज मी नवजोत सिंह साइनिंग आउट। गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।